महाविद्यालय प्रवेश के नाम पर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्र छात्राओं से की जा रही अवैध वसूली को रोकने सहित कुल 3 सूत्रीय मांगों को लेकर समाजवादी छात्र सभा के सदस्यों ने शुक्रवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सभा के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की और अपने मांग संबंधित ज्ञापन कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह को सौंपा। छात्र सभा के सदस्यों का कहना है कि महाविद्यालय प्रशासन छात्रों से मनमानी फीस की वसूली कर रहा है। वहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं की जा रही है। इतना ही नहीं, छात्र प्रास्नातक कक्षाओं में सीट वृद्धि की मांग कर रहे हैं, जिन्हें लगातार अनदेखा किया जा रहा है। समाजवादी छात्र सभा के सदस्यों ने अपनी इन्हीं मांगों से संबंधित ज्ञापन गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को सौंपा। इस दौरान समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष गविश दुबे, अनुज यादव, संतोष यादव, राम प्रताप, सुधाकर यादव, विजय यादव सहित कई छात्र मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए छात्र सभा के जिला अध्यक्ष गविश दुबे ने कहा, समाजवादी छात्र सभा जिंदाबाद, 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 समाजवादी छात्र जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्रों से धनुबाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, छात्रों से धनुबाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, रवीश दुबे नाम है, जिला अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा। विश्वविद्यालय और सभी महाविद्यालय मिलकर छात्रों का केवल धन शोषण कर रहे हैं, उसके संदर्भ में आज हम लोगों की कुलपति से वार्ता हुई है और साथ ही साथ छात्र संघ चुनाव को लेकर भी हम लोगों ने कुलपति जी से वार्ता किया है और हम लोग छात्र चुनाव की मांग उठाए हैं। पर स्नातक और स्नातक सीटों में क्लासों में सीट वृद्धि के लिए भी हम लोगों ने और छात्रावास की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज समाजवादी छात्र सभा के सारे कार्यकर्ता और छात्र नेतागण आज माननीय आदरणीय कुलपति से मुलाकात की है। उन्होंने जो भी धन उगाही का मामला था और छात्रावास का मामला था, छात्र संघ के चुनाव, सारे मुद्दों पर बहुत गंभीरता से उनसे बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अति शीघ्र इन सारे मुद्दों पर हम लोग कार्रवाई करेंगे।